हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज ट्रेंडिंग प्रॉपर्टी। और इस बार ट्रेंडिंग प्रॉपर्टी पे आपका भाई रोहित मिल रहा था। एक ऐसी ट्रेंड करती हुई प्रॉपर्टी लेके आया जो कि आपको देगी 80 गज का मजा। मतलब 80 गज की प्रॉपर्टी आपके लिए हम लेके आ चुके हैं। लोकेशन रहने वाली जनकपुरी। जनकपुरी में लोग ढूंढते हैं यार 80 गज की प्रॉपर्टी विद रूफ राइट। रूफ राइट मिल रहा भाई, रूफ के ऊपर दो कमरे दे दूंगा आपको अलग से बने हुए, रेंट पे चढ़ा दो, अलग से इनकम सोर्स बढ़ा लो, मतलब लिफ्ट एंड कार पार्किंग। 80 गज ऐसी चीज नहीं मिलने वाली आपके लिए, हम ढूंढ के लेके आ चुके हैं। अगर इसके सिनेमेटिक नहीं देखे तो कुछ नहीं देखा, तो सिनेमेटिक देख लो जो लिए कार्तिक ने बहुत प्यार से। इस बार जनकपुरी में आपके लिए हम लेके आए 80 गज की प्रॉपर्टी। आप लोग कहते हैं रीजनेबल प्रॉपर्टी चाहिए, रूफ राइट के साथ चाहिए, तो इस बार हम लेके आ चुके हैं। इस समय खड़े हैं आपके होने वाले घर की रूफ के ऊपर। 4 से 5 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, बट लोकेशन बहुत बढ़िया है। बम लोकेशन पे मैं आपको दे रहा हूँ, गेटेड सोसाइटी में आपको मैं दे रहा हूँ। गार्ड मिलेगा, गेट मिलेगा, इतनी अच्छी लोकेशन और नियर बाय पार्क। ना जबरदस्त पार्क है, अभी दिखाएगा कार्तिक आपको, बहुत प्यारा सा पार्क दे दिया आपको। पोटा कैबिन्स मिल जाते हैं रूफ के ऊपर, एक फ्रंट साइड पे और एक बैक साइड पे आप देख सकते हो, तो काफी बढ़िया चीज रहेगी। पोटा कैबिन्स अंदर से बहुत बढ़िया बना के दिए हुए आपको। चलते हैं नीचे जो कि आपका होने वाला फ्लोर, ऊपर दे देना रेंट पे। आपके पास में रेंट की इनकम आने वाली कम से कम 20 से 25 हज़ार, बढ़िया चीज दे दूंगा। रेंज जो दे रहा हूँ बहुत ही प्यारी रेंज दे रहा हूँ मैं आपको। नीचे चलते हैं फटाफट से यहाँ से आपके फ्लोर की तरफ। लिफ्ट एंड कार पार्किंग वाली प्रॉपर्टी है, एक सिंगल कार आपके अंदर आ जाएगी आराम से। और अगर हम लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट मिलने वाली है आपको ओटेस की, काफ़ी अच्छी ओटेस की लिफ्ट, 4 पैसेंजर लिफ्ट मिलने वाली है। एंट्री गेट आपकी आ जाती है सीढ़ी, और उसके बाद जैसे ही आप सबसे पहले अंदर घुसते हैं तो यहाँ से आपका आता है लिविंग एरिया। काफ़ी बढ़िया सा लिविंग एरिया मिल जाएगा आपको। वॉल टू वॉल वर्किंग काफ़ी अच्छी करके दे दी है आपको, अगर आप देख सकते हो वॉल टू वॉल काफ़ी अच्छी वर्किंग मिल रही है। लिविंग एरिया काफ़ी बढ़िया सा मिल जाएगा। LCD पैनल के लिए स्पेस छोड़ दिया गया, आप अपना लगा सकते हो या TV लगा सकते हो, स्पेस अच्छा मिल जाएगा। और कभी कभार क्या होता है, फर्स्ट बेडरूम मेरे बैक साइड पर आ रहा है, किचन मेरे इस तरफ आ रही है, यहाँ पे कॉमन वॉशरूम आ जाएगा, ये आपका एंट्री गेट आ जाएगा, और यहाँ से आपका आएगा बैक साइड वाला रूम। चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। सबसे पहले जैसे आते हैं आपके फर्स्ट बेडरूम की तरफ, तो फर्स्ट बेडरूम इतना सफिशिएंट मिलेगा आपको कि आपके पास में LCD पैनल की स्पेस छोड़ दी गई है, जगह बना के दी गई है आपको। आपका कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, यहाँ पे हमने विंडो पे वर्किंग दी है, और वॉल टू वॉल वर्किंग आपको दे दी है जिससे कि आपको वॉल की स्पेस अच्छी मिल जाए। और वार्डरोब मिल रहे हैं आपको, सेक्शन काफी अच्छा मिल जाएगा वार्डरोब का, आप देख सकते हैं, तो स्पेस अच्छी बन के मिल रही है। थर्ड विद रूफ आ रहा है, तो वेंटिलेशन 2 साइड ओपन की प्रॉपर्टी है। नीचे देख सकते हो इटालियन मिलने वाला आपको, काफी डिसेंट सा इटालियन फ्लोरिंग मिलेगा। ऊपर आप देख सकते हो POP वर्क मिल जाएगा आपको डिसेंट सा, और जो इसके साथ में अटैच आ रहा वॉशरूम उसकी बात कर लेते हैं। आपको जितनी फिटिंग्स मिलेंगी सारी की सारी ब्रांडेड ही मिलने वाली है यहाँ पे। हैंड शॉवर जो मिलेगा, और आपका वॉशरूम का सफिशियंट एरिया है, छोटी फैमिली के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। और रेंटिंग इनकम तो मैंने आपको बताई दी कि थर्ड विद रूफ है, रूफ के ऊपर आपके पास में वर्किंग स्पेस मिल जाती है, जहाँ पे आप 2 बेडरूम बना के दिए पोटा कैबिन सामने। और अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये आपके पास में बैक साइड वाली एरिया आ जाता है, यहाँ पे आप वॉशिंग एरिया क्रिएट कर सकते हैं। जगह काफ़ी अच्छी बन जाएगी, इतनी जगह बन जाएगी कि आप अपना वॉशिंग एरिया यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। सफिशिएंट एरिया है वॉशिंग के लिए आपके पास में, यहाँ जगह काफ़ी अच्छी बन जाती है। आगे की तरफ चलते हैं जो कि आपको लेके चलते हैं आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ साथ में बना हुआ किचन। ओपन किचन मिलने वाली है इसमें, किचन स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। आ जाते हैं यहाँ से आपके किचन की तरफ, तो किचन में भी वेंटिलेशन अच्छा मिल जाएगा। वॉल पे थोड़ी सी वर्किंग करके दे दी गई है आपको इस तरफ, आप देख सकते हो। और ये आपका एक छोटा सा प्यारा सा छोटी फैमिली वाला किचन भी मिल जाएगा यहाँ पे। सारे के सारे आपको वार्डरोब्स वगैरह वर्किंग करके दिए गए हैं। यहाँ से आपके पास में जगह बन जाती है जो कि वेंटिलेशन के लिए फ्रंट वाली साइड पर आता है, और ये वाली आपकी चिमनी साथ में मिल रही है, यहाँ पे आप अपना चूल्हा रख सकते हैं, तो स्पेस अच्छी बन जाएगी। और कई बार होता है कि फ्रिज के लिए स्पेस नहीं छोड़ते बिल्डर, बट यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा फ्रिज के लिए भी। हमने क्या किया, पूरी वर्किंग आपके लिए निकालते रहते हैं, रेंज के अंदर प्रॉपर्टी दे रहे हैं। थर्ड विद रूफ बहुत अच्छी रेंज में दे रहे हैं आपको, और इसमें इंटीरियर पे वर्किंग बिल्डर ने करके दिया आपको। और यहाँ से आता है आपका ये कॉमन वॉशरूम जो कि बेडरूम के साथ में नहीं है, अगर कभी कभार गेस्ट आ जाते हैं आपके तो उसके लिए हमने यहाँ पे कॉमन वॉशरूम का स्पेस छोड़ दिया है। फिटिंग सारी की सारी आपकी फिटिंग जो आएंगी सारी ब्रांडेड ही आने वाली है। हाँ जी, तो आ जाते हैं आपके सेकंड बेडरूम की तरफ, आपके घर का होने वाला सेकंड बेडरूम। देखो जिस रेंज में ये वाली प्रॉपर्टी आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। लोकेशन काफ़ी अच्छे, जनकपुरी के पॉश एरिया में आपकी सोसाइटी में आपका फ्लैट होने वाला है। 2 BHK की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लगाना अपना बेड बड़े आराम से। सामने आपको LCD पैनल का स्पेस दे दिया, काफ़ी बढ़िया सी वर्किंग करी हुई है वॉल के ऊपर, अगर आप देख सकते हो डिज़ाइन आपको मिल जाएगा काफ़ी प्यारा सा।
डिसेंट सा। इसके साथ में वार्डरोब कैसे स्पेस हमारे पास में यहाँ पे आया तो वार्डरोब, तो वार्डरोब आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा काफ़ी अच्छा सा। और अगर आपको वेंटिलेशन की बात करते हो तो वेंटिलेशन के लिए बाहर हमारे पास में यहाँ से डोर से जैसे आप आते हो तो बालकनी आ जाती है, बालकनी स्पेस काफ़ी अच्छा सा डिसेंट सा मिल जाएगा। और अगर आप बात करो बाहर की रोड की तो रोड साइड काफ़ी चौड़ी से मिलने वाली आपको, और आपके घर के बिल्कुल नियर बाय में आप देख सकते हो पार्क मिल जाएगा, पार्क बिल्कुल नियर बाय मिलने वाला है जहाँ पे आप सुबह एक्सरसाइज कर सकते हो। जिम बना हुआ है छोटा सा वहाँ पे, बच्चों के लिए प्ले स्टेशन बना हुआ है, तो मतलब काफ़ी अच्छी सी डिसेंट सी रहने वाली है ये वाली प्रॉपर्टी। जिस रेंज में आ रही है, थर्ड विद रूफ आ रही है, उस रेट में आपको ऐसी प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलने वाली। हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ के अपने चैनल पर डालते रहते हैं। कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि यार रेंज के अंदर कुछ लो, रेंज के अंदर कुछ लो, तो थर्ड विद रूफ रेंज के अंदर जनकपुरी में आपके लिए 80 गज का 2 BHK छोटी फैमिली के लिए हम लेके आ चुके हैं। अगर हमारे चैनल पर ना फटाफट से सब्सक्राइब करो, हमारी मोटिवेशन के लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि हम चीज़ें ढूंढते रहते हैं, मेहनत करते हैं, खर्चा करते हैं और आपके लिए प्रॉपर्टी ढूंढ के निकालते हैं। मिलते हैं किसी अच्छी सी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।